अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 22 सितंबर को शपथ लेंगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी विधायकों ने आतिशी को अपना नेता चुना था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रपति को 21 सितंबर को आतिशी और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का प्रस्ताव भेजा है। इस बीच कुछ नाम सामने आए हैं जो कैबिनेट मंत्री की शपथ भी ले सकते हैं। इस लिस्ट में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन का नाम शामिल है। इसके अलावा मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को आधिकारिक रूप से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी ने आतिशी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया और उन्होंने एलजी के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। आतिशी पार्टी के शेष कार्यकाल के लिए सरकार का नेतृत्व करेंगी। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक आतिशी का शपथ समारोह राजभवन निवास में आयोजित होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादा रहने की भी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 26 और 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र भी बुलाया है। विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त होगा। चुनाव भी फरवरी के प्रारंभ में होने की संभावना है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि आप संयोजक को एलजीबी के सक्सेना की सहमति के बिना अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने या फिर फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक 21 सितंबर को आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती है। उपराज्यपाल भवन की तरफ से इस बारे में जानकारी आतिशी को भेजी जा चुकी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। बता दें कि केजरीवाल जल्द ही मुख्यमंत्री आवास भी खाली कर देंगे। गौरतलब है कि आतिशी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनेंगी। बता दें कि 43 साल की आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी की दो महिलाएं सीएम रह चुकी है। आतिशी मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते हुए उनकी सलाहकार के रूप में काम कर चुकी है। खबरों के मुताबिक कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी सीएम का पदभार संभालने के बाद 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगी। बता दें कि आप सरकार ने 26-27 सितंबर को दिल्ली का विधानसभा सत्र बुलाया है। विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त होगा। चुनाव भी फरवरी के प्रारंभ में होने की संभावना है। ऐसे में 3 से 4 महीने के लिए ही आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी और इसी समय में उन्हें दिल्ली के बचे हुए काम और आगामी चुनाव को भी देखना होगा। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।